वरिष्ठ वकील एएम डार ने हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को गलत फैसला बताया है। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिकाकर्ता छात्राओं के वकील डार ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। वहीं उन्होंने हिजाब पहनने को इस्लाम के अंतर्गत अनिवार्य धार्मिक प्रथा बताया। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बीजेपी अब कोर्ट को भी चला रही है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी परंपरा नहीं है। दरअसल हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने को अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं मानी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले हैं, जिसके हिसाब से उनकी 304 सीटों पर जीत हुई है। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट डालने वाले हर सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक, मतदाता का धन्यवाद, जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर ट्वीट कर कहा है कि यह धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को निलंबित करता है। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना कहती है कि व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता है। बकौल ओवैसी, एक धर्म को निशाना बनाया गया है। दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला दिल्ली की एक अदालत ने 21 मार्च के लिए टाल दिया है। दरअसल कड़कड़डूमा कोर्ट ने 3 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि उमर को दंगों में कथित संलिप्तता के लिए UAPA के तहत 13 सितम्बर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। बिहार विधानसभा में सोमवार को लखीसराय से संबंधित एक मामले में मंत्री और विधायक के बीच हो रहे सवाल जवाब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर नाराज हो गए हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरह से नहीं चलेगा, एक ही मामले को रोज उठाने का कोई मतलब नहीं है। भारत ने डे नाइट टेस्ट में श्रीलंका को 3 दिन में 238 रन से हराकर सीरीज में 2-0 से सूबरा साफ किया। भारत ने घर पर लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत के साथ घरेलू मैदान पर लगातार सर्वाधिक टेस्ट सीरीज जीतने के अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। भारत को घर पर पिछली 30 टेस्ट सीरीज में सिर्फ एक में हार मिली है। भोपाल में शराब की दुकान पर ईंट मारने के वीडियो को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि स्थानीय महिलाएं 3 साल से शराब की दुकान हटाने के लिए प्रदर्शन कर रही थी, प्रशासन ने दुकान की जगह गलत दी है, आसपास लाखों हजारों मजदूरों की जिंदगी तबाह हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को यहां बुलडोजर चलाना चाहिए, पत्थर तो छोटी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय समिति की बैठक में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के झंडे लेकर चलने वाले लोगों की पूरी जमात पिछले 5-6 दिनों से बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर विवेचना करने की बजाय फिल्म को बदनाम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में लखीमपुर खीरी कांड में सरकार की भूमिका और किसानों के आंदोलन को दिए गए आश्वासनों के साथ विश्वासघात को लेकर 21 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। वहीं 11-17 अप्रैल तक न्यूनतम समर्थन मूल्य सप्ताह मनाने का फैसला किया गया है।